तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रकोण नोएडा इंडिया से। चूंकि 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं इसलिए आप सभी को पहले दिल से थैंक यू भाई। इतना ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 1 साल हो रहा है, 1 साल के अंदर मैंने गेन किया है 2 लाख सब्सक्राइबर। ये ईमानदारी की बात होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं दो गाड़ियों के, जो भी ग्रैंड आइटम है दोनों, एक डीजल है और एक पेट्रोल है। तो डीजल, ये ग्रैंड आइटम डीजल है, इसमें इंजन मिसिंग की प्रॉब्लम है। तो ये मेरा पहला वीडियो जाएगा जो डीजल गाड़ी के इंजन मिसिंग के लेके है। और दूसरा ग्रैंड आइटम जो खुलवा रहा हूँ मैं, तभी मैंने इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या, और बात भी इसी ग्रैंड आइटम के करेंगे। इसमें कूलेंट कम हो रहा है, 100-150 किलोमीटर चलने के बाद 1 लीटर कूलेंट कम हो जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि कूलेंट कम क्यों हो रहा है, यदि कहीं से लीकेज नहीं है उसके बावजूद कूलेंट कम हो रहा है, तो इसमें हेड गैस्केट का फॉल्ट होता है कि जो कहीं से लीकेज ना हो उसके बावजूद भी कूलेंट कम हो जाना, ये हेड गैस्केट का फॉल्ट होता है। ठीक है, तभी मैं हेड गैस्केट खुलवा रहा हूँ उसका, आज पूरी डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है उसका इंजन ओवरऑल भी कराना पड़े क्योंकि कंडीशन ऐसी लग रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाड़ी कोई ज़्यादा चली नहीं है, गाड़ी मान लो कि 38-40 हज़ार के समथिंग चली है, 40 हज़ार, और इसका हेड गैस्केट फूक गया है। चलाया मैंने, देखा कहीं से कोई लीकेज नहीं है, जो कूलेंट है वो इंजन के अंदर जा रहा है जिसकी वजह से गैस्केट काट रही है। तभी मैं इसका पहले हेड खुलवाता हूँ, हेड खुलवाने के बाद देखता हूँ क्या क्या चीज़ें निकल सकती है इसके अंदर, वो कम्प्लीटली आज उस पर बात करेंगे। और हो सके तो इंजन ओवरऑल भी करना पड़े क्योंकि हल्की सी टिक 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 की एक आवाज़ है, जो पिस्टन जब कट जाता है ना उसकी आवाज़ें आ रही हैं। तो कम्प्लीटली देखते हैं क्या क्या चीज़ निकलती है। ठीक है, ये अभी उतारा है हेड, देख सकते हैं 1 नंबर का, तो चलो ठीक है। ये इसमें पानी आ रहा है, देख रहे हो ना, पूरा पानी आके क्या वालों का कंडीशन देख रहे हो ना, कैसे क्या ख़राब हो गया, सिलेंडर ही पूरा ख़राब हो गया है। अब सिलेंडर ख़राब कहाँ से हुआ, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना पूरा डाउन हो गया, ये जल के गैस्केट अब पूरा डाउन हो गया। अभी इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, लेकिन ये वाला पॉइंट जल के पूरा काला पड़ गया टोटल। ठीक है, और इधर का ठीक है, ये भी ठीक है, एक ये पॉइंट और एक ये, दो सिलेंडर जो ना गड़बड़ कर रहा है, इतना आया कि देखो जंग लग गया, पलकों में भी जंग लग गया है, इतना पानी आ गया इसमें, जो पानी वीक हो रहा था। इसका कंडीशन देखो, ये कितना फ्रेश है प्लग, और इसमें देखो ये पूरा जंग लग के ख़राब हो गया, ये भी जंग लग के ख़राब हो गया, तो ये वाल भी ख़राब हो गए हैं ये दोनों के, ये वाल पूरा, और ये ठीक है ये वाला सिलेंडर, और ये थोड़ा सिलेंडर ही वीक है, मतलब एक सिलेंडर परफेक्ट काम कर रहा है ये वाला। ये देखो, ये भी ख़राब, ये भी ख़राब, और ये भी ख़राब, ये वैसे डाउन है। अब इंजन देखो, इसीलिए मजबूरी में हमें इंजन उतारना पड़ा। ये देखो, देख रहे हो ना, ये वहीं बीच का ये हिस्सा ही डाउन हो गया है, तो इसलिए पूरा ऐसे एमरी फेस लेना पड़ेगा और पिस्टन रिंग डालना पड़ेगा। ये देखो, देख रहे हो ना, ये इसलिए पिस्टन रिंग डाल देंगे तभी कामयाब होगा, ये गाड़ी हीट होके बेकार हुई है। पुराना रिंग गैप देख सकते हैं कितना होल हुआ पड़ा है बड़ा, ये मुझे लग रहा कि 53 के करीब है, 53 से भी ओवर है। अभी इंजन जो है ना बोरिंग होके आ गया, स्लिप हमने नई डलवा दी, आप देख सकते हैं स्लिप बिल्कुल न्यू, चारों स्लिप डलवा दी। और स्लिपों की बात थी, जो किट 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 की आवाज़ें जो आती थी वो स्लिपों की बात थी भाई। ठीक है, अभी पेट्रोल मार के इसे लगाना शुरू कर देंगे। अब फिर अभी एक क्रैंक रहा, इस क्रैंक की धुलाई ऐसे चल रही है एक एक आइटम। अब इसमें बैरिंग हमने फिट कर दी, बिगन बैरिंग, सारे बिगन बैरिंग फिट कर दी। ये अब लगा रहे इसके थर्ड वार्सल, ये दोनों तरफ लग गया कट आउटसाइड करके, ये रहा हाँ साबर। और इसका प्ले भाई 3000 रहता है प्ले, सीरियल वाइज कैप। ठीक है, कैप लग गया, अभी कैप के बोल्ट टाइट कर देंगे। ठीक है, क्रैंक इतना फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था अभी स्लिप का प्रोसेस, स्लिप बिल्कुल डलवा दी, हल्की सी फेसिंग, माइनर फेसिंग जो गैस्केट फट रहा था बीच से उसको करवा दिया। पिस्टन मैं यही यूज कर रहा हूँ, पुराना वाला ही पिस्टन यूज कर रहा हूँ क्योंकि पिस्टन सही है, घिसे नहीं है बिल्कुल ही, थोड़ा सा भी ये डाउन नहीं है हिस्सा। और हुंडई का ही रिंग डालना पड़ा भाई क्योंकि हमने गोट्स का भी मंगाया था रिंग, चूंकि तो गोट्स का रिंग लूज था इसमें, ये चला नहीं गोट्स का, चला क्या हमने देखा लूज है पिस्टनों में, तो इसलिए चेंज करना पड़ा। तो अभी हुंडई का मंगाया, देख सकते कितना कॉस्टली यार। ये देखो,
ये गोट्स का देख रहे हैं ना ग्रांड मंगाया, ये था गोट्स का क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, पर पहली बार ही रिस्क लिया भाई। ये टीपी गोट्स का जो मैंने रिंग मंगाया रियल्टी में, पहली बार में ही धोखा हुआ, तो मेरे पास तो हुंडई के अलावा डालता ही नहीं था। हम कहा यार एक बार टीपी गोट्स, दुकानदार भी प्रेशर कर रहा था टीपी गोट्स ले जाओ बढ़िया है बढ़िया। हम कहा चल ठीक है, फेंक दिया रिंग निकाल के, खुला हुआ है रिंग एक देख लो आई10 का ही, पहले खोल के चेक करा, ये बक फटा पड़ा है कंप्रेसर रिंग। ये देखो ये कहानी थी, ये देखो इसमें कंप्रेसर रिंग सही जा रहा है, ये देखो टॉप रिंग में भी सही जा रहा है, यानी ये रिंग पतला है ये नहीं चलेगा, रख दे इसी में रख के सेट कर दे। देखो भाई मैं बता ही देता हूँ, ये देखो देख रहे हो ना कंप्रेसर रिंग बिल्कुल सेट जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं बैठेगा, ये देखो नहीं घुस रहा है, अंदर घुस ही नहीं रहा। ये थोड़ा सा रिंग मोटा होता है कंप्रेसर रिंग, और उस गोटसे में पतला रिंग है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं गोटसे को, और कोई कारण नहीं है रिजेक्ट करने का। तो कोरिया का ही इसमें डलेगा, मेड इन कोरिया वाला ही, देख रहे हो ना, और वही रिंग सक्सेस है भाई। यदि हम इस रिंग को लगाते हैं ना तो पिकअप में प्रॉब्लम आ जाता, और ऑयल तो कम तो आधा एक लीटर करीब में कम करता ही करता। हमें अब आके पता पड़ी है इस चीज़ का कि रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता है, जो रिंग इसमें ही घुस जा रहे हैं तो कंप्रेसर रिंग दोनों में, तो जाहिर सी बात है प्ले आएगा कंप्रेसर वीक होगा। अभी रिंगों का कंडीशन एक बार समझ लेते हैं, बस ऐसे एक ऑयल रिंग जो है, ऑयल रिंग के जो स्पेंडर कॉयल है, उसके कॉयल का जो स्पेंडर है उसके नीचे वाला कट देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है, और ठीक इसके अपोजिट साइड में कट यहाँ पे दे रखा है मैंने नीचे वाले का, देखो बस ठीक है यहाँ पे दे रखा है, तो ये हो गया ऑयल रिंग। टाइमिंग के तरफ है ये, टाइमिंग 2UB लिखा हुआ ना, ये टाइमिंग के तरफ, इधर ऑयल रिंग का ये हो गया। अब कंप्रेसर रिंग देखो यहाँ रखा है, ठीक है, कंप्रेसर रिंग यहाँ और ऑयल रिंग टॉप रिंग यहाँ, तो ये अभी घूम के यहाँ पे आएगा टॉप रिंग, और कंप्रेसर रिंग यहाँ आ जाएगा, यानी कंबर्शन गुड एरिया में बेटर परफॉर्मेंस की जगह पे आ जाएगा ये घूम के, जब हम रिंग क्लिप टाइट करते हैं। तो ये क्रॉस बनाया मैंने ऐसे और ऐसे, ये दो क्रॉस बन रहा है, और ऐसे हमने ठोक देना है पिस्टन, ये कंडीशन है। तैना भी अजूबा ही है क्या ये, चलो क्या बात है। ऑयल की लाइन इंपोर्टेड होती है, देखो ये जो ऑयल की लाइन गई है ना, अब मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, बीचों बीच में है बिल्कुल सेंटर में है, तो ये मैटर करता है ऑयल की लाइन की, हमारा रिंग का कंडीशन है कहाँ। अभी रिंग का कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है, तो ऐसे में चारों पिस्टन को, तीन पिस्टन और है बाकी के, वो तीनों पिस्टन ऐसे में ही ठोक लेंगे हमने इस पे। हाँ चलो, मक्खी से मक्खी मिला, तो ये पीछे की कैप लग गई, पीछे की बोले तो कनेक्टिंग रॉड की कैप, क्योंकि हम लोग देसी आदमी है इसलिए भाषा भी देसी होती है। घुमाना एक राउंड, ठीक है, हाँ अब बिल्कुल आया, थोड़ा घुमाइए रे ऐसे में पिस्टन घुमाइए। कंप्लीट कर लिया हमने रिंग पिस्टन का काम, ओके हो गया, अब चैम्बर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलो हटाओ एक मिनट, सील पहले लगेगा इसमें, तो सिस्टम ही ऐसा दिया हुआ है, सील बिठाना बस, सील लगा के तब चैम्बर लगता है इसका बिल्कुल सेंटर में बस। बॉन्ड लगा लिया हमने, ये ऑयल पंप की जाली है, डायरेक्ट ही दे रखा है मुझे लग रहा है। प्लेट ला ऊपर की, ऊपर की प्लेट ला, छोटा प्लेट वो ऊपर है, चैम्बर प्लेट, चलो बोल्ट बोल्ट खेचो आराम से, दे दो
कस जाएगा बढ़िया। ये लो अब इधर से फ्लाईव्हील फिट हो गया, क्लच प्लेट फिट कर देंगे, इधर से काम फाइनल हो जाएगा। क्लच प्लेट अब फिट कर रहे हैं इसके, सारी वार्सलें हमने डाल दी नीचे वाली, और चूंकि स्प्रिंग के नीचे वार्सल रहती है ताकि एल्युमिनियम की बॉडी जो है ना कटे ना, इसके लिए लोहे का वार्सल दिया जाता है। ठीक है, ये टोटल अच्छे से जो क्लीनिंग कहते हैं ना वो क्लीनिंग हो गई है इसकी। अब सारे वाल्सी लगा दिए, ऊपर की कटोरी और काटर भी, और चूंकि इसके हेड को भी हल्का सा मामूली सा फेस लेना पड़ा, बिल्कुल एमरी फेस, मतलब एमरी फेस की बराबर ही लेना पड़ा इस फेस को। और वाल की फिटिंग चल रही है, सारे वाल फिट कर लिए, और वाल भी ओरिजिनल हुंडई का जो कहते हैं ना, जो कंपनी डाल के देती है ओरिजिनल हुंडई, वही वाल है इसमें जो होना चाहिए। इतना लाइट की वजह से चमक रहा है ना ये, और चूंकि हमने लिमिट से ज्यादा क्लीन भी कर रखा है ना बा। ठीक है, चलो पलटो। सारों में क्यों लगा, चलो चल दूसरा। पेचकस ले लो, पेचकस वो दिक्कत कोई जरूरत नहीं। अब नया गैसकिट डालना पड़ा क्योंकि सारा खेल गैसकिट नहीं खराब करा था, आप देख सकते हैं ये पॉइंट, सारा खेल इसकी वजह से खराब हुआ जो इंजन ने ओवरऑल हो रहा है, तो इसलिए हमने जेन्युइन गैसकिट हुंडई का ही मंगाया है मैंने। ठीक है, अब इसे फिट कर देंगे और यहाँ से रेडी है बिल्कुल सब चीज, दोनों पिन लगा दिए इसके भोगली के, अब हेड फिट कर देंगे, और हेड भी इस टाइम रेडी है। वाल, गाइड, वाल सील और सीट, ये सारे चेंज हुए हैं, और हुंडई के जेन्युइन वाल जो कहते हैं वो डाल दिए, क्योंकि इसका सीज हो गया था ये वाला सिलेंडर, जिसकी वजह से आके गैसकेट फूक गया था, और ये सीज हो गया था प्लग, तो आप देख सकते हैं इसकी प्लग की चूड़ी भी बनवानी पड़ी, बड़ी मुश्किल से प्लग खुला है, टूटने के कगार पर ही था मान लो, और बहुत हल्का फेस लिया, आप देख सकते हैं ये काला काला जो है ना रही गया, इतना हल्का फेस लिया है, सारा खेल फेस का ही है, यदि ज़्यादा ले लेंगे ना तो खेल खत्म है उसका, तो वहाँ खड़े होकर करवाना पड़ता है स्पेशल, तो आप देख सकते हैं कितना बहुत हल्का फेस है ये टोटल। ठीक है, बहुत मामूली सा माइनर फेस हुआ है, जिससे कि ये लेवल आ जाए इसका, तो लॉन्ग लाइफ इसकी अच्छी रहेगी। हमने ब्लॉक का भी फेस लिया माइनर फेस, और हेड को भी थोड़ा सा लैपिंग करवा के फेस करा, तो गैसकिट में यूज करना होगा ऑयल लगाना पड़ेगा बस, ये देखो ऑयल। यदि इस पे हम बुलडोग लगाएंगे तो ठीक नहीं है, बुलडोग तो वैसे लगाना ठीक है, पर इस पे ऑयल लगाओगे ज्यादा बेटर रहता है। नीचे नीचे लोटी उठा, स्टार M10 का सारे बोल्ट बढ़िया करके खेल देंगे। रोकड़ लगाते हुए जो ना ये दबा के थोड़ा चेक करना पड़ता है, तो फ्री रहता। अब सारे बिल्कुल लग गए रोकर, अब केम लगेंगे इस पे, केम VVT वाले केम है, वेरिएबल वाल टाइमिंग का, देख सकते हैं आप दोनों केम में दे दिया ये सिस्टम, एक इधर VVT सेंसर, एक VVT सेंसर इधर, तो अब इसको फिट करने वाले हैं। अब सारे रोकर लग गए, कन्फर्म करना होगा कि सारे रोकर बिल्कुल अपनी जगह पे फिट हैं कि नहीं, उसके बाद से इसका एग्जॉस्ट कैम, आउटलेट एग्जॉस्ट कैम और ये इंटेक कैम,
चल इंटेक कैम लगा भाई, ये इंटेक कैम हो गया ठीक है। कई जगह कंफ्यूजन है रिंग का गैप का, रिंग का लूज का, पिस्टन के लूज का, वाल कौन सा रहेगा इसके अंदर, बिगन कैसे फिट होंगे, मेन पॉइंट क्या होना चाहिए ओवरऑल का, और वो चीज की जिससे इंजन चले, यही सारी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। और अभी कंप्लीट कर ही रहे हैं तो ठीक है, और अभी टाइमिंग फिट करेंगे और उसके बाद टाइमिंग मोड लेंगे ठीक है, इसकी टाइमिंग फिट करेंगे ठीक है। तो आज टाइमिंग भी डिटेल में ही समझेंगे, जाहिर सी बात है टाइमिंग समझना बहुत जरूरी है। अभी टाइमिंग फिट कर दिया इसका, और टाइमिंग आइटन कापा वाला ही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन आज एक नया चीज और बता दूंगा मैं। अभी इसका पॉइंट देखो, देख रहे हो ना ये पॉइंट, क्रैंक पे जो पॉइंट है उस पे डिस्क कलर आएगा। अभी डिस्क कलर जिस पे नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। अभी यह कलर पेंट किया हुआ है ना, इस पे ये कलर पेंट है, और इधर से टाइट करके सीधा आएगा इस पे इंटेक कैम पे। तो चूंकि इंटेक कैम पे ये पॉइंट पे मिलाना होगा हमें, देख सकते हैं ना ये पॉइंट पे डिस्क कलर लेना होगा। चलो, और ये के एग्जॉस्ट कैम इस पे, ये डंडी सी है, इस पे डिस्क कलर लेना होगा। लेकिन सपोज करो टाइमिंग चेन पे कोई भी डिस्क कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? कोई भी टाइमिंग चेन पे डिस्क कलर नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने एक आइटेन कापा का वीडियो डाला हुआ है कि कैसे विदाउट चेन पे मार्का के हम खुद कैसे मार्का लगाएं, तो मैंने वो वीडियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ये टाइमिंग का टोटल प्रोसेस है, और ये है सेंसर इसका, वीवीटी सेंसर, जो कि इसमें दो दिया हुआ है, एक इधर दे दिया है और एक इधर दे दिया है। तो ये वीवीटी सेंसर कापा में एक, कई कई कापा में तो एक ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें दो दे दिया है। तभी आगे प्रोसेस कर ही रहे हैं कंपनी वाले कि वीवीटी सेंसर के लिए वेरिएबल वाल टाइमिंग यही एक्स्ट्रा है बस इसमें ठीक है। तो कंप्लीट हो गई इधर से टाइमिंग, अब टाइमिंग प्लेट लगा देंगे इसके, और टैपिट कवर लगा के फिट कर देंगे। अब टाइमिंग प्लेट हमने फिट कर दी ठीक है, और फ्रंट गरारी लगा देंगे इसकी, टाइमिंग गरारी। अभी चारों स्पार्क प्लग नए डाल देते हैं एनजीके का, और चूंकि सीएनजी की गाड़ी है इसलिए एनजीके का ही ज़्यादा बेटर रहता है, तो इसलिए हमें एनजीके का ही डालना पड़ रहा है। अब टैपिट कवर हमने लगा दी इसकी, इधर से सारी गरारी लगा दी, अब बाहर की फिटिंग अब कर लेंगे इसके बाद से। इंजेक्टर और रेल फिट कर दिए इसके, बोल्ट लो। अब इंटेक मैनिफोल्ड, जिससे इंजन लगेगा भरा भरा था, पकड़ ले भैया इंजन। अभी मैंने नया वाटर पंप मंगाया है, और आगे के लिए इंजन ओवरऑल कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पानी लीकेज हुआ है, कूलेंट लीक हुआ है। ऐसे में हम इंतजार करेंगे कि अब लीक होगा तो हम चेंज करेंगे, ऐसा गलत है। इसलिए ऑलरेडी हमने वाटर पंप मंगा लिया है, क्योंकि पूरा जब इंजन ओवरऑल हो रहा है ऐसे कंडीशन में लीक कर गया ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ वाटर पंप ठीक है। हो गया, आगे से तो हमने ए टू जेड सारा फाइनल कर दिया, सेंसर, ऑयल स्विच, गेज, एल्बो, अल्टरनेटर, इंटेक मैनिफोल्ड, रेल, इधर से हो गया फाइनल। अब इधर से टोटली रह गया, क्योंकि इंजन चलाएंगे तो सिलेंसर वहीं कस लेंगे। गियर वेयर सब फिट हो गया, और से थ्रोटल बॉडी सब फिटिंग हो गई, ओके, कॉयल वायल ये सब लीड वीड लग गए। चलो भाई, इंजन चलाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका, सब वायरिंग वायरिंग साइड कर दिया गया, और इस पर ले आ गए इंजन चढ़ा देंगे बिल्कुल। सारे चीज़ें फिटिंग हो रही हैं, सब चल रहा है मामला। क्रैंक सेंसर फिट कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे सेंसर ऐसे होते हैं कि जो बाद में फिटिंग होती है उस सेंसर की, मान लो जैसे इंजन चढ़ा रहे हैं उस टाइम में टूटने का चांस ज़्यादा रहता है ऐसे सेंसरों को। अभी इसका भी वेल्ट देख सकते हैं कि ये कट रहा है, और चूंकि इंजन करते हैं ना जब, तो इस कंडीशन में बेल्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। यदि बाई दवे रास्ते में बेल्ट टूट गया
और कस्टमर ने माइंड नहीं किया इस चीज़ को ना, तो हमें परेशानी हो जाती है, फिर इंजन में आ जाएगी दिक्कत। तो इस कंडीशन में इस बेल्ट को चेंज करना पड़ेगा। तभी मैं अभी लेके आया हुंडई का ही बेल्ट, सेम टू सेम। अब हमने सारी चीज़ कंप्लीट कर ली, बस आगे का रेडिएटर ए बम्पर लगना रह गया है। और ये कपड़े कुपड़े कर देते हैं साइड में, कूलेंट भी इसमें डल गया, ऑयल भी, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सारा इधर से फिटिंग हो गया। अभी हम लोग करेंगे इसको स्टार्ट। एक अब क्लिप टाइट करना रह गया, एक एक क्लिप। चलिए जरा दो तीन बार ऑन ऑफ कर ले। लीकेज चेक करो, फैन वैन चेक करो, चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी हमने इंजन ओवरहॉल कर दिया इसका कंप्लीट, और चूंकि हीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आई थी, गाड़ी हीट हो गई थी, गैसकेट फूक गया था, पिस्टन कट गए थे इससे, तो इससे रिलेटेड सारा चीज करना पड़ा। अभी लास्ट में वाल जो कि खुला ही ना, एक बार हीट हुआ सही, दूसरी बार में खुला ना, ये सब चीज़ें माइंड करनी होती है। यदि इंजन हम कर भी देवें और ऐसे चीज़ें ध्यान नहीं दें तो फिर गाड़ी का नाश हो जाना है जल्दी से। अभी मैंने जितनी बार बताया है कि गाड़ी को जब भी रवा करें पानी पर रवा करें, क्योंकि पानी जो है ना बहुत जल्दी बॉयल होता है। उस कंडीशन में कोई भी इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगी कहानी। यदि हम कूलेंट डाल दें इस पर चेक करेंगे ना, तो हमें इतना समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें पानी डालना होता। अभी देखो सील पैक है, ये अभी डालना है, तो पहले रवा कर लेंगे तब डालेंगे हम। और स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ें तो चेक करनी होती है, थोड़ा सा पास मिलेगा। अभी हमने बेल्ट डाला, इसका बेल्ट कट रहा था, हो सकता है रास्ते में बेल्ट टूट जावे, ऐसे में इंजन कर रहे हैं पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो फिर वो दिक्कत ना आने की, ठीक है। और थर्मोस्टेट वाल चेक कर ली इसके, और बाकी सारा इंजन तो ओवरऑल हो ही गया, पिस्टन विस्टन सब ये सब हो ही गया। अभी रवा करेंगे कम से कम 7 से 8 घंटा, इस रवे में सेट हो जाएगा पूरा इंजन, पिस्टन रिंग जहाँ सेट होना होता है वहाँ हो जाता है। इंजन की कलाकारी इससे पता पड़ती है, थोड़ा पास में लग गया, बिल्कुल बैक नहीं होना चाहिए इंजन के अंदर, अभी बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और साउंड सुन सकते हैं, जो किटकिटाहट की आवाज़ थी शायद आपको नहीं दिखाया, वो चीज़ें सही है, साउंड बढ़िया है। अभी हम लोग इसको हटा के ही टेस्ट करेंगे, इससे ही पता पड़ेगा कहीं गाड़ी हीट तो ना हो रही है, फिर से ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्योंकि इससे पूरी पता पड़ जाती है। ओवर हीट होगा तुरंत ही बाहर फेंक देगी पानी। तभी हम लोग पानी वानी डाल के चेक कर रहे हैं, पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इसमें कूलेंट डाल के फिलअप करके बढ़िया गाड़ी ड्राइव कराई लेंगे। तभी हमने कंप्लीट इसका रवा कर दिया, इंजन का रवा होना बहुत ज़रूरी है, रिंग पिस्टन का काम करते हैं, ओवरऑल करते हैं। अभी रवा करने के बाद हमने पानी ड्रेन कर दी, ड्रेन करके पानी अब कूलेंट डाल देंगे हम, यूज कर ले तब तक। अभी रवा करने के बाद से मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि हर बार मैंने ट्राई लेता हूँ, वीडियो कट कर देता हूँ, कूलेंट उसके बाद से डालता हूँ। भाई रवा तो पानी पे ही करना पड़ता है, क्योंकि पानी जल्दी से बॉयल होता है, इसलिए प्रॉब्लम कोई भी होगा समझ में आएगा। और भाई इंजन के अंदर जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं ना भाई, कोशिश करो कि अच्छा क्वालिटी का ही डालें, डाले ना डलवाओ अच्छा क्वालिटी का। चाहे 4 दिन बात करो इंजन, हाँ, लेकिन कहीं ऐसा होता है कैमरामैन खुद ही बोल रहा हो अरे अरे ऐसा होता है कहीं की कैमरामैन खुद ही मतलब बोल रहा हो, नहीं एक्शन वेक्शन बोलना जरूरी है ना। ऑन कर लिया ना, चल भी रहा है, चल रहा है, पर ये ऐसा हो कि ऑन करा ना हो सारा डलवा दे भाई, प्योर कूलेंट है भाई, कैस्ट्रोल यदि 300 रुपए लेता है ना कूलेंट के, 350 भाई माल भी देता है जो बात। कैस्ट्रोल के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन? कैस्ट्रोल वेस्ट्रोल का प्रचार कोई कर रहा हूँ यार, हद कर दी तैने भी यार। माल ये है कि पैसे ले रहा है तो बढ़िया माल दे रहा है,
अब इसमें ओरो का पानी मिक्स करेंगे या बैटरी वाटर मिक्स करेंगे, अदरवाइज कोई पानी यूज नहीं करेंगे। जैसा टोटी वोटी का हुआ, समरसेबल का डायरेक्ट डाल दिया, ऐसे में हेड हो जाता है ना, इसलिए आरओ का या फिर बैटरी वाटर का जो कनस्त्री आती है वही डालना होगा। तो ये फिटिंग फुटिंग करा के कूलेंट डाली दी है इसमें, अब इसे ट्राई लेते हैं और आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ कितना प्यारा है, आवाज़ ही तो दिल को खुश करता है यार। आवाज़ सही ना हो तो रात की नींद उड़ जाती है हम लोगों की, मैकेनिकों की। तो आवाज़ सुन सकते हैं, बढ़िया आवाज़ है, साउंड अच्छा है। साउंड की सारी बात है यार, साउंड अच्छा आ गया तो समझो सब कुछ बढ़िया है, साउंड सही नहीं आया तो फिर मालिक भगवान है। चलो स्टार्ट करना। ये हमारे तरफ से यहाँ का जो प्रोसेस था नीचे का वो सारा फाइनल हो गया। अभी आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट है, थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नहीं है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है, और साउंड सुन ही सकते हैं क्योंकि बड़ा तरीके से इंजन करना पड़ता है तब जाके ऐसे साउंड बनती है। ऐसे साउंड का आना इतना आसान नहीं है कि साउंड ऐसे आ जाए, और जो कहते हैं ना इंजन बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि स्टार्ट ना हो, वो वाली कहानी है, बिल्कुल सेट है मामला। तभी चलते हैं इसका ट्राई लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं चला फिरा के क्या कंडीशन है, यानी यहाँ नीचे से रवा रुआ ये गरम गुरम करके कई बार फैन वैन चला के सब कर लिया, कूलेंट पुलेंट सब डल गया। अब पंखा भी टाइम से चल रहा है, आप देख सकते हैं अभी पंखा चला है, तो इंजन का पता ही नहीं पड़ रहा कि स्टार्ट है, इतना साइलेंट कर रखा है, इतना स्टेबल कर रखा है इंजन को, देख रहे हैं ना। पंखा भी बिल्कुल टाइम से चल रहा है और फिर बंद हो जा रहा है। अब चलते हैं ट्राई लेते हैं फिर देखते हैं कहानी। अभी किलोमीटर देख सकते हैं आप, अब मैं ऑन रोड हूँ, ट्राई ले रहा हूँ, तो अभी मैं चला के देखते हैं क्या कंडीशन है। जब इंजन करते हैं तो थोड़ा सा ट्राई लेने के लिए जो ना एक बार गाड़ी खींच के देखना पड़ता है, ठीक है, ऐसे नहीं बार बार खींचे गाड़ी को। गाड़ी तो सिस्टम में बढ़िया चल रही है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है, ओवर हीट ये सब का कोई लफड़ा नहीं। हर कंडीशन में गाड़ी चला के चेक करना पड़ता है, थोड़ा फास्ट थोड़ा स्लो जाम में, मतलब सब तरह से, पर इंजन हुआ है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इंजन को ज़्यादा ना खींचे। अभी 300-400 किलोमीटर तक हमें आराम से ही चलाना पड़ेगा गाड़ी को। तो अभी ऑन रोड ही है, एक बार उतर के गाड़ी रोक करके कूलेंट का लेवल चेक कर लें, कूलेंट का लेवल ठीक है, लीकेज वीकेज कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट्रा है नहीं, देख सकते हैं ऑन रोड ही है अभी। तेरह पॉइंट नाइन यानी अराउंड 14 किलोमीटर के करीब में मैंने गाड़ी चला दी है, तो गाड़ी बढ़िया है इस टाइम, सब मिला जुला कर बढ़िया है। तो यही था भाई, ओके थैंक यू, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका सभी का।